इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है विवेक अग्निहोत्री के ताल्लुक से। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स के बाद अब द दिल्ली फाइल्स बनाने का ऐलान किया है। जैसा कि आपको मालूम है, फरवरी 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे, जिसमें तकरीबन 53 लोगों की जान गई थी और बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए थे और घरों और दुकानों में आगजनी की गई थी। इन दंगों से पहले अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और परवेज साहिब सिंह वर्मा ने भड़काऊ भाषण भी दिए थे और आपत्तिजनक बातें कही थी। लेकिन ताज्जुब और हैरानी की बात यह है कि इन तीनों का नाम चार्जशीट में नहीं था और तमाम तरह के आरोप और इल्ज़ाम मुस्लिम समाज के लोगों पर ही लगाए गए थे। हो सकता है विवेक अग्निहोत्री सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे, बीजेपी को खुश करने की नहीं। लेकिन बड़ी तादाद में लोगों का कहना है कि इस फिल्म में भी विवेक अग्निहोत्री झूठ, दजल और फरेब से काम लेंगे और इस फिल्म को भी नफरत फैलाने का एक जरिया बनाएंगे।